फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजोन की फायर स्टिक की अनबॉक्सिंग। मैं आपको दिखाऊंगी इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मेरी स्मार्ट टीवी तो है, पर उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ही चलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ही चलता है और कुछ नहीं चलता। और मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि मैं अपनी टीवी चेंज करूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीवी है और कुछ साल पहले ही खरीदी थी। तो आप अपनी नॉर्मल टीवी को इस फायर स्टिक से स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फायर स्टिक की हेल्प से आप बहुत सारे एप्लीकेशन अपनी टीवी में चला सकते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर यही सोच के किया था कि सारे एप्लीकेशन मैं अपनी टीवी में चलाऊँगी। तो खैर, मैं आपको दिखाऊंगी इसको ओपन करके। ये देखिए, पूरा ऐसे ही आया, अभी मैंने भी नहीं देखा है। इसको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसको टीवी में कैसे लगाना है, क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, अगर जो फर्स्ट टाइम लगाएंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और इसका रिव्यू मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि बिना यूज़ किए हुए मैं इसका रिव्यू नहीं दूंगी। जब मैं खुद मुझे लगेगा कि ये अच्छा है, तभी मैं इसका रिव्यू आपको एकदम जेन्युइन फीडबैक दूंगी। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ एक एक चीज़ इसमें क्या क्या मिलता है बिना देर किए हुए। वो इसमें एक बॉक्स जैसा लग रहा है, उसी में सारी चीज़ें होंगी। ये है इसमें बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये है फायर टीवी स्टिक। फायर टीवी स्टिक, इसमें प्राइम वीडियो, यूट्यूब, C5, सोनी लिव, वू, डिस्कवरी प्लस, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं अभी आपको एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ। ये है बॉक्स फायर टीवी स्टिक अमेजोन। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सारी इसमें प्राइम वीडियो, यूट्यूब, C5, सोनी लिव, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, इसका नाम जो है फायर टीवी स्टिक विद एलेक्सा वॉइस रिमोट लाइट सेकेंड जनरेशन। और प्राइस की अगर आप देखें तो देखिए 399 है। तो चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सेल भी दे रखे हैं, अमेज़न बेसिक्स सेल, और इसका ये अडैप्टर है चार्जर के लिए। बस इसमें ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका है यूज़र मैनुअल, ये मैं आपको दिखाऊंगी जब लगाऊंगी। चार्जर है, रिमोट के सेल हैं, ये दो सेल हैं, ये रिमोट है, और ये है फायर स्टिक, ये और ये है इसकी कॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में से मिली हैं। दो सेल हैं और ये है इसका मैनुअल। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि इसको लगाना क्या है। वैसे तो इसकी फायर स्टिक में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये है आपका माइक्रो यूएसबी, उसके बाद ये है एलेक्सा वॉइस रिमोट, और ये है HDMI एक्सटेंडर, और ये है आपका USB केबल, और ये आपके रिमोट के सेल। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको टीवी से कनेक्ट करके देखते हैं। पहले आपको फायर स्टिक पे ये USB कॉर्ड लगाना है, आपको लगाना है और इसको सप्लाई देंगे जो अडेप्टर इसके साथ था, इससे ये इसमें लगा देंगे और इसको आपको बोर्ड में लगा के सप्लाई देनी होगी। और फिर इसको आप कहीं से भी सप्लाई दे सकते हैं, जैसे मैंने एक एक्सटेंशन रखा हुआ है वहाँ से सप्लाई देती हूँ। और फिर इसको आपको टीवी के पीछे पॉइंट दिया होता है, पीछे साइड में। अभी आपको दिखाती हूँ मैं जूम करके, अगर आप देख पाए तो ये पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे आपको फायर स्टिक को लगाना है। यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको फायर स्टिक लगाना है।
बहुत ध्यान से आपको लगाना होगा, और एक्सटेंशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्ट लग जाएगी। ये देखिए डायरेक्ट लग जा रही है और ये लग गई, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लगा देना है। जो एक एक्सटेंशन मिला था उसको जरूरत होती तो लगाना, अदरवाइज ये सीधे लग गई, मेरे में ये डायरेक्ट लग गई है। और अब इसकी सफाई ये आगे से ली है, ये मेरी सोनी की टीवी है, मैं आपको मॉडल नंबर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे आ रहा है। अभी मैं आपको पूरी टीवी स्टार्ट करके दिखाऊंगी, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये फायर टीवी लिख के आ रहा है, पहले इसमें कुछ भी नहीं आता था, जैसे ही फायर स्टिक लगाया उसके बाद टीवी ऑन किया तो अब इसमें फायर टीवी लिख के आ रहा है। अब मैं इसको और देखती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैं अभी सब फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ आपके सामने ही, साथ में ही कनेक्ट कर रहे हैं टीवी को। देखिए सर्चिंग फॉर योर रिमोट, अब आपको रिमोट पेयर करना पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप दिखाएंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपको लैंग्वेज सेट करना है, तो लैंग्वेज कोई भी आप सेट कर सकते हैं, इंग्लिश हो ओके। सेटअप विद रिमोट, स्कैन द क्यू आर कोड डाउनलोड किया, सिलेक्ट सेटअप न्यू डिवाइस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तो ये आप कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन कर सकते हैं ना, सेकेंड ऑप्शन चूज किया, अब इसमें आप अपना जो वाईफाई पे टीवी कनेक्ट है वो वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, अब आपको पासवर्ड डालना है, अब कनेक्ट कर दें। अब देखिए आपका ये कनेक्ट होगा आपके वाईफाई से, कनेक्शन हो गया है टीवी का वाईफाई से, और डाउनलोडिंग द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेगा तो आपको अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर भी पूरा डाउनलोड हो गया है लेटेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें, रीस्टार्ट इन अ फ्यू सेकंड। ओके जब पूरा ये आपका डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर तो ये रीस्टार्ट होगा, देखिए अपने आप ऑटो में बैक चला गया HTML2, फिर ये भी फिर से स्टार्ट हुआ है, ये अपडेट हो चुका है सारा, जो सेकंड बार भी जो अपडेट हो रहा था वो पूरा हो चुका है, अब ये स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये अपडेट हो रहा है, प्लस वाईफाई की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा टाइम लगता है कोई बात नहीं, और फर्स्ट टाइम तो आई थिंक टाइम लगेगा ही, उसके बाद नहीं लगेगा। तो अब इसमें देखो सारे एप्लीकेशंस जो थे वो अपडेट हो चुके हैं, अब ये बोल रहा है रिमोट, ये पहले भी ऑप्शन आया था रिमोट पेयर अप करने के लिए, पर ये सेकेंड टाइम फिर से पूछ रहा है क्योंकि उसने मैंने स्किप कर दिया था। तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप स्कैन करके करें, या तो आप अपना रिमोट सेम वाईफाई से कनेक्ट करें, जिससे कि आपका जिस वाईफाई से आपके मोबाइल में अमेज़ॉन वो है और आपके घर पे जो वाईफाई लगा है उससे। अब ये हो गया है, मुझे इसको करना है कौन सी वो आपको दिखाते हैं। ये आपको सिंपल इसमें कोड आ जाता है, आपको अपने amazon.com/कोड पे गूगल पे टाइप करना है, वहाँ पर जाके आपको अपना अमेज़ॉन का आईडी पासवर्ड डालना है, जैसे ही वो लॉगिन करेगा जो टीवी पे कोड आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था वो कोड आपको अपने मोबाइल पे डालना है, और फिर आप रजिस्टर कर देंगे तो सेम जैसे आपको स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे मेरा नाम आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो अब आपको कॉन्टिन्यू करना है। ये मैंने किया कॉन्टिन्यू पे प्रेस, से वाईफाई पासवर्ड्स टू अमेज़ॉन, यस, चेकिंग फॉर बैकअप्स। अब ये है पेरेंटल कंट्रोल्स का, ये बच्चों के लिए स्पेशली होता है, ये मुझे नो पेरेंटल कंट्रोल चाहिए। अब ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए इधर ऑप्टिमाइजिंग आ रहा है, अब ये इधर इसके लिए बोल रहा है मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप मैं बाद में लूँगी तो मैंने बैक कर दिया। अब सिलेक्ट ऑल ऑफ द एप्स यू वांट एंड देन डाउनलोड देम एट द एंड, ओके गेट स्टार्टेड। देखिए पूरी स्क्रीन पे विच पॉपुलर सर्विसेज डू यू वांट, ये एक एक करके इसमें देखिए ये दिखा रहा है YouTube, Netflix, Sony Live, तो मैंने आपको बता दिया, अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसका प्राइस बता देती हूँ, आप शॉक हो जाएंगे। Amazon में जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चेक किया था तो इसका प्राइस था 2999, यानी कि अप्रॉक्स 3000, मान लो 2999। फिर अभी सेल चल रही है उसमें लाइटनिंग डील में मुझे इसका प्राइस 17999 का पड़ा, यानी कि 1799 का, आई थिंक मैंने इतना ही ज़्यादा बोल दिया, खैर 1799 का, यानी कि मुझे 1800 का मिला, करीब करीब 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो अगर आपको भी लेना है तो आप राइट टाइम का वेट करें, इस टाइम बहुत सारे सेल्स चल रहे हैं, बात करो फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की, अमेजोन की, तो कुछ भी लेना है तो इस टाइम आप ले लीजिए, आपको ऑफर प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। तो खैर मुझे ये 1799 में मिला तो मैंने सोचा कि इसको मिस नहीं करना है, मैं ले लेती हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।